भाई बहनों के अटूट प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन कब मनाएं, इसको लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है। यह भाई बहन का सबसे खास त्यौहार है, जिसे हर साल सावन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन को राखी भी कहा जाता है, लेकिन इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल रहने के कारण लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि आखिर कब और किस समय में राखी बांधना शुभ होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि रक्षाबंधन को लेकर भ्रांतियां फैली हुई है कि 30 अगस्त या 21 अगस्त को यह पर्व मनाए, चूँकि 30 अगस्त की सुबह 10:48 में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन उसके साथ में भद्रा भी प्रारंभ हो रहा है। रक्षाबंधन की तारीख, शुभ मुहूर्त और उपाय को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, रक्षाबंधन को लेकर के अभी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि 30 को मनाएं या 31 को, क्योंकि 30 तारीख की सुबह 10:48 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन उसके साथ में भद्रा भी प्रारंभ हो रही है। और रक्षाबंधन का नियम है कि इसको पूर्णिमा में ही किया जाता है, इसलिए 10:48 के पहले चतुर्दशी तिथि में रक्षाबंधन नहीं किया जा सकता। लेकिन पंचांगकर्ताओं ने बताया है कि यह भद्रा काल जो है रात को 9:02 तक रहेगा। 30 तारीख की रात को 9:02 से भद्रा छोड़ देगा, लेकिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए हमारे ज्योतिषियों ने, पंचांगकर्ताओं ने रक्षाबंधन का समय 30 तारीख की रात को 9:02 के बाद से बहुत अच्छा तथा शुभ बताया है। लेकिन बहुत सारे जगहों पे यह देखा जाता है कि यह केवल भाई बहनों का ही त्यौहार नहीं है, अपितु हमारे बहुत से व्यवसायिक व्यापारी भाई बंधु भी अपने दुकान में भी रक्षाबंधन करते हैं, अपने तराजू बाट में भी करते हैं। आजकल कुछ बहनें वृक्षों को भी रक्षाबंधन बांधते हैं, कुछ आर्मी वाले बंधुओं को, सैनिकों को भी बांधते हैं। उसके अलावा प्राचीन परंपरा है कि पुरोहित जो है अपने यजमानों को भी रक्षाबंधन करते हैं, जो कि रात को संभव नहीं है। इसलिए इसका एक ही समाधान है कि 30 तारीख की रात को 9:02 में जितनी भी राखियां हैं, बहनें उसको भगवान में चढ़ा दें, अर्पण कर दें। उसके बाद 31 तारीख की सूर्योदय जो है पूर्णिमा तिथि में है, हालांकि ज्योतिष शास्त्र में 31 तारीख को रक्षाबंधन नहीं बताया गया है, लेकिन 30 की रात को 9:02 शुभ मुहूर्त में रक्षा सारी राखियों को भगवान में अर्पित कर दें। उसके बाद उसी को दूसरे दिन 31 तारीख को अपने भाइयों के कलाइयों में बांध करके यह त्यौहार जो है मनाना चाहिए। ऐसा ही समाधान हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है।